हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइस आई हैव ब्रॉड दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सेल ठीक है और टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द यू सेल इससे पहले हमने प्रो सेल के बारे में सब कुछ कवर किया हमने देखा कि उसका सेल एनवेलप कैसे डिजाइन था इनटू थ्री लेयर्स आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल वॉल देन इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर ऑर्गेनैलिस नहीं थी बट कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपनी एक्सटेंशंस बनाई मिसोसोम्स को जन्म दिया जिनसे उन्होंने कितने सारे सेल के फंक्शंस को संभाला अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी मूवमेंट के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर अपने अंदर डिजाइन किया हुआ दैट इज फ्लैजेला

हमने काफी सारे उसके यूनिक फीचर्स पढ़े ठीक है बट आज से हम स्टार्ट करेंगे यूकेरियॉटिक सेल के बारे में दैट इज द सेल विच इज फाउंड इन दी मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं ठीक है जितनी भी डाइवर्स वेराइटी है मोस्टली सब में यूकेरटिक सेल देखा जाता है तो चलिए लेट्स बिगिन विद टॉपिक 8.5 पॉइंट फाइव दैट्सरियोटिक सेल्स न्यू एनसीआर का रेफरेंस पेज नंबर है नाइनटी वन नाइनटी टू जहाँ पे ये गिवन है राइट right?

ठीक है जी तो प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली मोनरेंस का पार्ट थे बिगिनिंग फ्रॉम द प्रोटेस्ट दी सेल कम्स आउट टू बी यूकैरियोटिक सेल्स नाउ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन निकल ही आता है लेकिन दिस इज एन इन जनरल स्टेटमेंट कि मोनरेंस आर मोस्टली प्रोकैरियोट्स वेयर आर स्टार्टिंग फ्रॉम अप टिल एनिमेलिया मोस्टली सेल्स कंसिस्टिंग आर दी यूकैरियोटिक सेल्स

देखिए वी लिव ऑन अ प्लानट नेम्ड अर्थ अर्थ में डाइवर्स स्पीशीज है ठीक है चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे फंगस हो चाहे मॉनरस हो चाहे इनिशियली जब लाइफ स्टार्ट हुई हमें किसी के भी बारे में पता नहीं था बट धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई धीरे धीरे हमें एक्सप्लोर करने से पता लगा कि कौन कौन सी स्पीशीज कितने कितने टाइप्स में एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में वी नो कि कौन सी कंट्री कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है फिर कौन सी कंट्री में कौन से ऑर्गेनिजम्स है हमें सब ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मालूम है ठीक है जी अब इन्हीं डाइवर्स स्पीशीज के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दैट दे ऑल आर लिविंग अब लिविंग कैसे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसके एग्जिस्ट होने से हमें पता लग जाता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉट अब सेल हमने इस चैप्टर में दो टाइप्स के पढ़े दैट वर प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल में दिक्कत ये थी कि जो उसका न्यूक्लियस था वो नॉट वेल डिफाइंड था नॉट वेल डिफाइंड और यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ठीक है यहां पे जो न्यूक्लियस है दैट इज वेल डिफाइंड ये हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियोस तक ओके okay, नाउ ऐसा क्यों है कि न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने दो सेल्स को क्लासिफाई किया है बिकॉज न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है जिसे हमें कंट्रोल करने के लिए हमारी ब्रेन है वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इज आउटकम ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन माई ब्रेन करेक्ट तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है न्यूक्लियस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के

अपार्ट फ्रॉम दैट वी रेड कि उसकी मूवमेंट के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उसकी अटैचमेंट के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये सब चीजें हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कवर की क्योंकि हमें पता था इनके अंदर न्यूक्लियस है नहीं तो ये बहुत ज्यादा लेस एडवांस्ड है लिए इन्होंने हर चीजों के बना रखे अपने करने के लिए। में हैंडल भी कर सकेगा तो इसीलिए हमें यूकैरियोटिक सेल की हर चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है जो हमारी इस वीडियो से स्टार्ट हो चुकी है सो कमिंग बैक टू माई स्लाइड ये मैंने आपको जस्ट एक लिंक क्रिएट करने के लिए एस्टैब्लिश किया इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म देखिए क्या होता है हर सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड है मतलब खाली स्पेस है जहां पे बेसिक सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं ठीक है थीके? अब वो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसी खाली स्पेस की प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन है मतलब प्रॉपर से कंपार्टमेंट्स बनी हुई है ठीक है उंड ऑर्गेनालीसिक सेल में तो यार मेंउंड ऑर्गेनालिज थी ही नहीं वहां पर तो सिंपल प्लाज्मा मेंब्रेन ही एक्सटेंड होके कुछ ना कुछ अपना बना रही थी ताकि वो फंक्शन मैनेज हो पाए लेकिन यहाँ तो सेल प्रोपरली वेल डिफाइंड है तो यहाँ पे मेंब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज है अब इसीलिए साइटोप्लाजम में कहाँ पे क्या चीज है जैसे यहाँ पे फॉर एक्जाम्पल एक ऑर्गेनाली है इधर दूसरी है यहाँ पे तीसरी है सो इज साइटोप्लाजमली कंपार्टमेंटलाइज अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंस ऑफ्री मेम्ब्रेन बाउंड में नहीं था न्यूक्लियस आई जस्ट टोल्ड अ प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप दैट मींस उसकी प्रॉपर न्यूक्लियर बाउंड्री होती है जिसके अंदर सब कुछ एंक्लोज है enclosed.

Uh, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें uh, काफी फीचर्स एडवांस है ठीक है सो कॉम्प्लेक्स लोकोमोट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर लोकोमोट्री का मतलब है जो मूवमेंट के काम आए द वन विच हेल्प इन द मूवमेंट और साइटोस्केलेटल का मतलब है जो स्केल सेल के स्केलेटल बाउंड्री फॉर्म करें जो सेल को थोड़ा सा दिखाएं कि सेल की शेप सेल का साइज कैसा हो सकता है ठीक है जी सो वी विल स्टडी ऑल दी स्ट्रक्चर्स इन डिटेल

लेकिन यहां पर डिफरेंस आता है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में जो यूकेरियोटिक प्लांट सेल्स हैं वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनिमल यूकेरियोटिक सेल्स ठीक है जी सो प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर फॉर्मर मींस द प्लांट सेल्स एज ए सेल वॉल उनके अंदर सेल वॉल है

ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रिओल्स वेयर एज एनिमल सेल्स में सेंट्रिओल्स होते हैं जो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं अब ये सेंट्रिओल्स भी एक तरह की ऑर्गेनली होती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है जो हम पढ़ेंगे बट एनिमल सेल्स हैव सेंट्रिओल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल लेट्स स्टडी इन डिटेल ये प्लांट सेल है सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल the outermost green boundary which we can see that is the sorry cell wall okay then inside cell wall is the plasma membrane then we have the empty space that is the cytoplasm so we have done cell wall we have done plasma membrane then cytoplasm center mein controlling center present in nucleus nucleus the center may present with nucleolus surrounding this nucleus is an organelle which is the endoplasmic reticulum रेटिकुलम जो-जो चीजें बनाता जाता है वो साथ साथ अपनी सराउंडिंग को देता जाता है इज सराउंड ऑर्गेनिकॉल हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, में. Vacuole, पढ़ी थी ना हमने लार्ज okay, so सेंट्रल जो न्यूक्लियर को बाउंड कर रहा है न्यूक्लियर एनवॉलअप देन माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाने में हेल्प करता है

उसका लिंक मैंने क्रिएट किया ठीक है एंड आई मेंशन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके स्टडी करेंगे सी वट एवर वी विल बी स्टडिंग गो इन वेरी डिटेल क्योंकि सेल ऑलरेडी एक इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता और हम सेल के अंदर जाके चीजों को स्टडी करने वाले हैं तो आपको बाहर से लिंक रहना पड़ेगा एक कनेक्शन हमेशा इस्टेब्लिश करते रहना पड़ेगा तो आपको चीजें बेटर समझ में आएगी ठीक है जी दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच